हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मी पायल्स। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज हमारे घर में हल्दी वाला फंक्शन, तो आज बहुत ज़्यादा ही काम है। तो लाइक मैं दिखाऊंगी रसम वगैरह सारा कुछ आप लोगों को, ठीक है? तो ब्लॉग में बने रहना, मिलती मैं थोड़ी देर में आप लोगों से। सो गाइस, मैं मिल रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:30-4 के लगभग। अभी मुझे निकलना है मार्केट, तो चलो मैं आप लोगों के साथ साथ लेकर चलती हूँ। क्या कर लूँगी सब कुछ दिखाऊंगी, अभी रिवील कर दूंगी, बिकॉज अभी थोड़ा टाइम के बाद ही पहनना है मुझे उसे। चलो, मार्केट हो जाने के बाद भी हमारा कुछ मार्केट बाकी था, तो मैं कर रही आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत टाइम के बाद अपने ओके शादी वाला ब्लॉग अपलोड करी, बिकॉज मेरी वॉइस ना बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, अभी भी लग रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो उस दिन मार्केट जाके कुछ कुछ शॉपिंग वगैरह करना था हम लोगों को, तो हम लोगों ने आ गई। मुझे फूल वगैरह लेना है, जो मांटिका वगैरह होता है वो सब। तो पापा लोग बात करके गए, तभी वो शॉप मुझे मिल नहीं रहा। पापा फिर आ रहे हैं, तो फिर पापा के साथ जाऊंगी मैं। कुछ दिखा नहीं पाई कि मैंने क्या लिया। वैसे कुछ ऐसा जो जो लिया हल्दी वल्दी में पहनूंगी, ऐसा कुछ ना कुछ रिसेप्शन वगैरह में पहनूंगी, जैसा आप लोग देख ही लोगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग पास टाइम नहीं था कि हाँ टाइम को वेस्ट कर पाऊँ मैं लोग भी। और यहाँ से स्टार्ट होता है हल्दी वाला फंक्शन हमारे घर का, लाइक बहुत यहीं से तो इमोशनल मोमेंट स्टार्ट हो जाता। और ये वाला थोड़ा रोटेट शूट हो गया, लाइक मिनी ब्लॉग। एंड ये था मैम लोगों का हल्दी का डेकोरेशन, कुछ ऐसा था। यहाँ पे दी बैठ के लाइक हल्दी का फर्स्ट दिन था। मैं इसलिए ब्लॉग आप लोगों से शेयर भी नहीं करी थी क्योंकि मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था। अभी भी तुम यहाँ पे हल्दी का रस्म चल रहा था, आप लोग इंजॉय। गाइस, यहाँ मैं हल्दी वाला फंक्शन ख़त्म होता और मैं आप लोगों को ये बोल रही थी कि पार्ट बाय पार्ट आएगा वीडियो, बट इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो को शूट कर पाऊँ। मैं यही आप लोगों से बात कर रही थी, बट कोई नहीं, मैंने सारा ब्लॉग एक ही में ऐड कर दिया है कि थोड़ा आप लोग को भी देखने में इंटरेस्ट लगे कि कैसा क्या हुआ है। इस दिन का हमने बहुत बेसब्री से इंतजार किया था, बट इतना जल्दी आके चला जाएगा कभी, मतलब लाइक इतना जल्दी टाइम पा रहा था मैं, क्या बात है। अगर मैं मिलती 19 तारीख का मेहंदी वाला ब्लॉग, लाइक मेहंदी फैशन मेहंदी फंक्शन। ये छोटा सा थाली कैसा लग रहा है बताना। हम लोग उसे जितना पॉसिबल हो पाया, थैंक यू प्रेम भैया, उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन किया है। फर्स्ट डे अलग भैया ने किया था एंड सेकेंड डे अलग भैया ने किया है, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन। यहाँ पे दीदी को मेहंदी लग रहा था, बिकॉज मेहंदी वाले के पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो ऐसे बैठ के लगाए बहुत टाइम तक। तो ऐसे ही उसका फ़ोटोशूट भी चल रहा था साथ साथ, वो मेहंदी वगैरह भी लगा रही थी। अगर सबका फ़ोटोशूट वगैरह हुआ और पूरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, एंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि इतनी बिजी होने के बाद भी मैंने वीडियो शूट किया है ताकि मेरे लिए भी एक अच्छी मेमोरी बन के रह जाए, एंड आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर। आप लोगों को सारा रस्म में डांस देखने को ज़रूर मिलेगा, ऐसा कुछ रस्म मिसिंग भी हो गया, लेकिन डांस वाला वीडियो फुल टू फुल था। एंड मेहंदी वाले दिन, हल्दी वाले दिन सबसे अच्छा अच्छा लाइक सेम टू सेम ड्रेस वगैरह पहना था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने स्पीड इसलिए कर दिया वीडियो क्योंकि बहुत टाइम का था, बिकॉज मेरा फ़ोन अभी से ही हैंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा कम टाइम का ही मैं शूट करूँ, क्योंकि ऐसे बार बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये दादा है, पापा मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये दोनों लोग नाच रहे हो, दादा है एंड ब्लू गंजी वाले पापा हैं, जीजा है, बहन लोग हैं। थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस मैं करा दी, दी के सामने जो थी वो दादा थे, सेकेंड नंबर वाले चाचू लोग थे। वहाँ से स्टार्ट होता है मटकोर का रस्म। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोगों को, लाइक बिहारियों का मटकोर निकलते निकलते, बहुत लोग इससे वाकिफ़ हो गए, जानते हो गए क्या होता है। तो
बहुत मैं डांस छोड़ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मुझे मेमोरी रखनी थी। डांस तो मैं हर रस्म में कर रही थी, तो सबसे वीडियो मांग मांग के कलेक्ट करके फिर मैंने इतना टाइम इसलिए भी लिया क्योंकि सारे वीडियोस कलेक्ट कर रही थी मैं, यहाँ से ये सब मड़वा ये सॉरी मटकोर का पूजा वगैरह हो रहा होगा, तो इन्जॉय करो आप लोग देखो। म्यूज़िक यहाँ से इसलिए ऑफ कर दिया था क्योंकि ये एक नियम होता है, आई थिंक बहुत लोगों में होता होगा ये नियम, इसमें हम लोग जीते थे इसलिए मैंने वॉइस ओवर करके बता दिया। ये एक थोड़ा सस्पेंस होता है कि लड़के वाले जीते या लड़की वाली, तो यहाँ पे हम लोग जीते थे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी यहाँ, इसलिए मैंने म्यूज़िक को थोड़ा ऑफ करके आप लोग शेयर कर दिया। अगेन जेजू जी दामाद जी अंगना में पधारे और ये हो रहा था, तो सारे लोग उनको परेज करके, ये सब नियम तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है बिहारियों में ऐसे, तो यही सब हो रहा था नियम वगैरह। तो म्यूज़िक के साथ ही इन्जॉय करो बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर करने के कारण वॉइस ओवर सुनने में आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये नहीं पता, इसलिए मैं हमेशा म्यूज़िक डाल दे रही हूँ। तो क्या आप लोग को मेरी जैसे शादी होती है और कमेंट करना। अगेन हम लोग रात की शादी भी हो रही थी एक साइड, फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, ढाई बज गया था रात, तो हमने खाना वाना खाया उसके बाद घर आई, तो फिर शादी की रस्म वगैरह बहुत कुछ मैंने ऐसे स्किप कर दिया क्योंकि मैं वहाँ पे खाना खा रही थी, तो काफ़ी लोगों से ले लेके ये सब नहीं मैं देखी नहीं थी, दूसरों से वीडियो ले लेके कलेक्ट करके इसे आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो शादी इंजॉय करो, एंड यहाँ पर हो रहा था लावा भुंजाई ने क्या बोलता है भाई करता है, भाई का एक नियम होता है वही वाला वो भाई कर रहा था। ये शादी होते होते बहुत सुबह हो गई थी, दी फाइनली मैरिड गर्ल हो गई थी, सिंदूरदान सुबह सुबह हो गया था। अगेन यहाँ पे विदाई के टाइम तो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, कुछ वीडियो वगैरह कर नहीं पाई, बस थोड़ा सा था भाई गया हुआ था तो मैंने बोला कि दे दो थोड़ा सा एकदम ऐड कर दूँगी मैं। अगेन ये वहाँ का रिसेप्शन का था, मैं रिसेप्शन के दिन भी नहीं कर पाई ब्लॉग, मेरा गला बहुत ही बैठा हुआ ख़राब था, तो हम लोग एक बस पर गए थे वहाँ पर। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करना प्लीज़, वीडियो को लाइक करना शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और पूरा शादी का ब्लॉग कैसा लगा वो भी आप लोग बताना। यहाँ पे वो वहाँ का डेकोरेशन मैं दिखा रही हूँ वहाँ पे, इतना ही मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।